हेल्थ बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया, जिसमें से इंदौर में करीब 400 और कुछ सैंपल्स भेजे गए थे, उसमें से 200 से ऊपर सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। ये लॉकडाउन के 25वें दिन हुआ है। मैं मानता हूँ कि ये गंभीर समस्या है। ऐसे में या तो हम टेस्टिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम जो लॉकडाउन का नियम सही तरीके से पालन नहीं करवा पा रहे हैं, या तीसरा हम क्या बीमारी के तीसरे स्टेज पे पहुंच गए हैं, जो बिना लक्षण से मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या पूरे समाज में ये बीमारी फैल रही है। मैं मानता हूँ कि ये स्थिति रेड जोन के एकदम गंभीर स्टेज पे है। बार बार हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना हेडक्वार्टर इंदौर बनाएं, पर क्या पता वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी जरूर है कि इंदौर की 40 लाख लोगों को हम मुख्यमंत्री के भरोसे मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। इंदौर के परिवार का होने के नाते मेरा अपना इंदौर है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन को आप हैंडल करें, देश की सरकार हैंडल करें, और यह हेल्थ इमरजेंसी से भी बड़ा कोई आपका कारगर हो कोई नियम उसको लागू करें। मैं अनुरोध ये इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के 70 कर्मचारी इस बीमारी से पहले ही ग्रसित हो चुके हैं, और बार बार कितने भी प्रयास के बाद भी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। मैं मानता हूँ इस परिस्थिति में हमारा मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है इस पूरी परिस्थिति को संभालने के लिए, तो कृपया करके देश की सरकार इसमें इंटरप्ट करें, इस पर ध्यान दें, और मेरे इंदौर के 40 लाख लोगों की जो जान आफत में आई है उसको संभालें।